हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल मेडिकेयर में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जामुन की गुठली के बारे में। गर्मियों में आपको बाज़ारों में काले रंग का एक आकर्षक फल ज़रूर दिख जाएगा, आपने देखा होगा, जिसे देखते ही मुंह में पानी आने लगता है। आपने सही पहचाना, हम बात कर रहे हैं जामुन की, जो गर्मियों के मौसम का एक लोकप्रिय फल है। इसके ऊपरी भाग को हम बड़े चाव से खाते हैं और बीज को, जो बीज होता है, उसे फेंक देते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि जामुन का बीज जो होता है आपके स्वास्थ्य के लिए कितना लाभदायक है? अब हम बात कर लेते हैं जामुन की गुठली के फ़ायदे के बारे में। तो इसके जो फ़ायदे हैं, ये आपको नंबर एक तो डायबिटीज़ की समस्या में आप इसे ले सकते हैं, गैस्ट्रिक समस्या, आप अगर आपको गैस होता है तो आप इसे ले सकते हैं। कब्ज की समस्या से भी ये छुटकारा दिलाने में काफ़ी लाभदायक है। ब्लड प्रेशर की समस्या में आप इसे ले सकते हैं। पाचन क्रिया आपकी सही नहीं रहती तो आप इसे ले सकते हैं। और दांतों और मसूड़ों की तकलीफ़ अगर आपको है तो भी आप इसे ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम जो होता है भरपूर मात्रा में होता है, जो कि दांत को मजबूत बनाने में और उनका विकास सही तरीके से करने में मदद करता है। और उल्टी से राहत दिलाने में, अगर आपको उल्टी की तकलीफ़ होती है तो उससे भी राहत दिलाने में आप इसे ले सकते हैं। बलगम यानी कि कफ़ अगर आपको हो रहा है तो कफ़ को दूर करने में भी ये काफ़ी लाभदायक है। त्वचा के लिए, स्किन के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। अब हम बात कर लेते हैं जामुन की जो गुठली होती है उसका उपयोग आप कैसे कर सकते हैं। वो जामुन का बीज आप तोड़कर, मींस जो बीज उसमें से निकलते हैं, उसे आप धूप में अच्छे से सुखा लें। सुखाने के बाद आप इसे मिक्सचर में अच्छे से पीस लें, और इसे पीसने के बाद ये कुछ इस तरह दिखने लगेगा। और इसके बात करें इसके न्यूट्रिशन वैल्यू की, तो इसमें प्रोटीन होता है, वसा होता है, क्रूड फाइबर, एश, कैल्शियम, फास्फोरस, स्टार्च, डेक्सट्रिन, टैनिन, इतने सारे इसके अंदर पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो जामुन के बीज को धूप में सुखाने के बाद इसे पीस कर इसका पाउडर बना लें। अब इस पाउडर को पानी में मिलाकर पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और जामुन के जो बीज का सेवन है, आप दिन में एक बार किसी भी वक्त कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कितना खाना है। अगर आपको सिर्फ बीज खाने हैं, पीसना नहीं है अगर आपको, तो आप बीज कितना इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि एक बार में जामुन के 6 से 8 बीज ही इस्तेमाल करें, ज़्यादा बीज भी नुकसानदायक होगा। 6 से 8 बीज एक बार में, मीन्स एक दिन में आप 6 से 8 बीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको पीस कर लेना है तो आप इसे दिन में एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 चम्मच या 2 चम्मच। अब हम बात कर लेते हैं इसके नुकसान के बारे में। अगर आपने जामुन के 5-6 बीज एक साथ खा लेते हैं तो ये आपके गले में फंस सकते हैं, जिस कारण आपको दम भी घुट सकता है। और जामुन की गुठली में कार्बोहाइड्रेट की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है, जिसका अधिक सेवन करने से वजन बढ़ सकता है। और जामुन के बीज में विटामिन सी भी भरपूर मात्रा में पाई जाती है, जिसका अधिक सेवन आपका पेट खराब कर सकता है और आपको डायरिया भी हो सकता है। कुछ जामुन के बीज में कीड़े भी हो सकते हैं, इन्हें खाने से बचें। अगर आप जामुन के बीज के सेवन से जुड़ा कोई अन्य प्रश्न अगर आपके दिमाग में हो तो आप उसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर ऐसे ही ज़रूरी वीडियो को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।